रिलेशनशिप बिटवीन क्लासेस जो सिस्टम जो है जरा बेसिकली हमारा सिस्टम जो है इसमें वी टॉक अबाउट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम में दो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट आई मीन देयर मे बी अदर्स, बट दो फंडामेंटल चीज़ें हैं एक है ऑब्जेक्ट और दूसरी क्लास ये ऑब्जेक्ट एंड क्लास जो है ये आपके बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं इस पे सारा सिस्टम खड़ा होगा एंड बेसिकली द बिहेवियर ऑफ द सिस्टम ज डिफाइंड बाय द मैनर इन विच द ऑब्जेक्ट्स तंटरैक्ट विद ईच अदर ऑब्जेक्ट्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं मैसेज पैसेज करते हैं इसी तरीके से जो पूरा जो सिस्टम ने जो काम परफॉर्म करना होता है जिस चीज के लिए वो डिजाइन किया है वो आपस में कॉर्डिनेशन कम्युनिकेशन कोऑपरेशन जो करते हैं उससे ये काम परपज अचीव होता है सो इन ऑर्डर टू कंस्ट्रक्ट अ सॉफ्टवेयर सिस्टम

ये कोई कनेक्शन आपको बनाना पड़ेगा आपको बताना पड़ेगा कि कौन किसके साथ किस तरीके से बात कर सकता है ये कनेक्शन भी बिल्कुल ओपन एंडेड नहीं होते बड़ा स्पेसिफिक हम उसे बताते हैं कि ये दो ऑब्जेक्ट्स जो हैं या इंस्टेंसेस ऑफ दीज टू क्लासेस दे कैन टॉक टू ईच अदर एंड दिस इज हाउ दे विल डू इट ये ये काम कर सकते हैं ये दो क्लासेस के इंस्टेंस आप उसमें बात नहीं कर सकते तो ये कनेक्शंस आपको बताने पड़ते हैं कौन किसके साथ कनेक्ट हो सकता है कौन किसके साथ बात कर सकता है सो so, इसमें जो दो तरीके से कनेक्शंस बनते हैं एक हमारे एसोसिएशन कहलाती है और एक हमारी इनहेरिटेंस कहलाती है एसोसिएशन से इंस्टेंसेस को क्लासेस के जोड़ते हैं और इनहेरिटेंस से आप जोड़ते हैं सो बेसिकली दीज आर द टू बेसिक वेज जो आपको जिससे आपका सिस्टम खड़ा होता है एसोसिएशन इज वट एसोसिएशन इंडिकेट्स दैट ऑब्जेक्ट ऑफ टू क्लासेस आर रिलेटेड इन सम नॉन समल वे किसी तरीके से आपस में जुड़े हुए लेकिन उसमें आपस में कोई हरकी नहीं है कोई ऑर्डर नहीं है ठीक है बट दे आर connected and they cooperate and coordinate with one another that implies that an object of one class is making use of an object of another or the same class sometimes also and it is indicated simply by a solid line connecting two classes two class icons so दो क्लासेस को जब हम यू की बात करते हैं तो हम क्लासेस को बॉक्सेस से रिप्रेजेंट uh, करते हैं और उनके दरमियान में हम उनको जो सॉलिड लाइन्स से हम एसोसिएशंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं एसोसिएशन जो है इट डज़ नॉट एम्प्लाई दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट इट डज़ नॉट एम्प्लॉ के देर इज़ ऑलवेज अ लिंक बिटवीन ऑल ऑब्जेक्ट्स

कुछ टीचर्स कुछ स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे होंगे तो कुछ ऑब्जेक्ट्स कुछ ऑब्जेक्ट्स एक क्लास के ऑब्जेक्ट हैं कुछ दूसरे है, आपस में उनका कोई ताल्लुक है और वो जो ताल्लुक है वो आइडेंटिफाइबल है हमें पता है कौन सा टीचर किस स्टूडेंट को पढ़ा रहा है या कौन सा स्टूडेंट किस टीचर से पढ़ रहा है ये आइडेंटिफाइबल है ये एसोसिएशन सो देर इज अ कॉन्सेप्चुअल लिंक एंड देर इज अ फिजिकल लिंक कॉन्सेप्चुअल लिंक क्या है कि हमारी कौन सी दो क्लासेस जो हैं इनके ऑब्जेक्ट्स आपस में जुड़ सकते हैं ये कौन सी दो क्लासेस एसोसिएटेड है दैट इज लिंक एंड द फिजिकल लिंक इज कि अब उन दो क्लासेस के कौन से ऑब्जेक्ट्स आपस में जुड़े हुए हैं थ्रू दिस एसोसिएशन दैट इज द फिजिकल रिलेशनशिप सो एक क्लास लेवल पे रिलेशनशिप है और एक ऑब्जेक्ट लेवल पे रिलेशनशिप है जो एक्चुअली जो जब ऑब्जेक्ट्स बनते हैं तो फिर वो होते है। so हैं सो दिस इज वट एन एसोसिएशन इज एसोशन के डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं जिसकी हम बात करते हैं उसमें एसोसिएशन की आ, नाम बस का बता देते हैं कि ये है क्या एसोसिएशन फॉर एग्जाम्पल अ स्टूडेंट एंड रोल्स इन अ सेक्शन उसकी एरिटी है आ, कि इसकी रिलेशनशिप आपस में इसकी कर्नलिटी कैसी है वन टू वन है वन टू मैनी है मैनी टू मैनी है किस तरह की है डायरेक्शन ऑफ एसोसिएशन क्या है मैसेज पासिंग किस तरफ से किस तरफ हो रही है अगर कोई आ, अगर आपने वो शो करना है तो आप एरों से शो करते हैं अदरवाइज अगर एक लाइन है तो इसका मतलब है दोनों दोनों तरफ आ, इसकी बाई डायरेक्शनल है और समटाइम्स द रोल्स दोनों एंड्स पे जो एसोसिएशन है उन क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स में उनका रोल आपस में क्या है एक हो सकता है कि किसी तरीके से एक आपका एम्प्लॉयर है और एक आपका एम्प्लॉ है तो ये एक दो डिफरेंट रोल्स हैं जो कि वो प्ले कर रहे हैं तो इस तरीके से हम एसोसिएशंस को हम यूज़ करते हैं अपने सिस्टम के डिज़ाइन में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है